अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सना और मैं हूँ रूबी। हम आपको आपका किचन विद सिस्टर में वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक जादुई तेल जिसका नाम है एलोवेरा कोकोनट ऑयल। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी हमारी रेसिपी को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और अपना प्यार भरा फीडबैक हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्यूअर्स, आज हम बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एलोवेरा तेल बनाने जा रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे हमारे पास 3 अदद एलोवेरा है। इस पर आप वाइट डॉट्स देख रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, कोशिश करें कि आपको इसी किस्म का एलोवेरा मिले। अब आप इसको देखिए, इसको किस तरीके से पील ऑफ करते हैं। जो आपने देखा होगा साइड्स पे जो कांटे से होते हैं, आप उन्हें नाइफ के ज़रिए इसको आप हटा दें और इस तरीके से आपने इसको पील ऑफ कर देना है पीलर के ज़रिए। ठीक है, आप ये देखें, इस तरीके से आपने इसको पील करना है। व्यूअर्स, आपको पता है एलोवेरा के बहुत ही फ़वाइद हैं। ये देखिए इस, और इसको इस तरीके से आपने कट करना है, या आप ये देख सकते हैं। कट करने के बाद आपने किसी भी बाउल में इसको निकाल लें। अगर पीछे से उसका छिलका आ जाता है तो कोई उसका इतना इशू नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हम बनाने जा रहे हैं व्यूअर्स नारियल का तेल, और इसमें हम डालेंगे एलोवेरा, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है व्यूअर्स। जब आप बनाएंगे, लगाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और फिर ये कहेंगे कि हम यही तेल अब लगाएंगे। तो व्यूअर्स, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तेल है। आप ये देख रहे हैं कि हम ये तमाम जो तीनों हमारे पास जो एलोवेरा रखे हुए हैं व्यूअर्स, और ये मेरे घर के में मैंने लगाए हुए हैं, मेरे गमले के हैं। इन्हें अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको काटा है और ये मैं आपको बता रही। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर जाएंगी काली मिर्च। आपको पता है काली मिर्च के बहुत फ़ायदे हैं। ये फंगस नहीं लगने देगी तेल में और ना, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। विटामिन ई के कैप्सूल्स, इसका मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं स्किन के लिए और बालों के लिए। और ये मेरे पास 1 कप जो है नारियल का तेल है जो जम चुका है सर्दी की वजह से, और ये वही एलोवेरा है जिसका जेल मैंने निकाला था। ये आप देख सकते हैं, ये 1/2 कप है और 1 कप मैंने नारियल का ऑयल लिया है। इसके बे इंतहा फ़वाद हैं व्यूअर्स। अच्छा, इसमें मैं मेथी दाना भी डाल रही हूँ। आपको पता है मेथी दाना बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप तेल के अंदर मेथी दाना डाल के रखेंगे तो आपके बाल काले सिया हो जाएंगे और गिरेंगे नहीं। और जो ये तेल मैं बनाने जा रही हूँ व्यूअर्स, इसके फ़वाद मैं आपको आगे बयान करूँगी। कढ़ाई के अंदर व्यूअर्स हमने साबित काली मिर्च डाल दिया है, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम मेथी दाना डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसे मेथी दाना डाल दिया है, इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और ये करने के बाद इसके अंदर हम व्यूअर्स नारियल का तेल डाल देंगे। सर्दी की वजह से व्यूअर्स ये बिल्कुल जम चुका है। आपको पता है साउथ में नारियल का तेल लगाते भी हैं और खाते भी हैं, जिसकी वजह से व्यूअर्स उनके बाल आपने देखा इंतहा से ज़्यादा काले, लंबे और घने होते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो तेल बन रहा है ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर लगाइएगा। और ये सिर्फ बालों के लिए नहीं है, ये आपके स्किन का भी काम देगा। अगर आपके एड़ियाँ फट रही हैं, आपके हाथ पैर फट रहे हैं, ये आप ऑयल ज़रूर मसाज कीजिएगा, हाथ पैरों पे लगाइएगा, बेहतरीन है। मैं आपको वो भी बताऊँगी कि कैसे लगाना है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हमने पकाना है और साथ ही हमने ये एलोवेरा जेल जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको हमने इस तरीके से डाल देना है। और अब हम इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि तमाम एलोवेरा जेल जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से रच और बस जाए जी। और इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है व्यूअर्स। और आपको खुद एलोवेरा ये जो तेल बनाएंगे आप, इससे बाल आपके इतने नरम मुलायम रहेंगे और घने रहेंगे, बालों को झड़ने से बचाता है और गिरते बालों को रोकता है व्यूअर्स। और अगर आपके सर में डैंड्रफ मींस खुश्की है, ये इसको भी सही करेगा। बहुत बेहतरीन ये इस वक्त ऑयल बन रहा है चंद अज्जा। और आपको पता है एलोवेरा हर एक के घर में आजकल लगा हुआ है। काली मिर्च भी होती है, मेथी दाना भी होता है, खाली विटामिन ई के कैप्सूल, ये ऑप्शनल है, दिल चाहे तो डालें, नहीं तो आप नहीं डालें। तो ये बहुत बेहतरीन तेल बन रहा है व्यूअर्स। आपके बाल चमकदार रहेंगे और
घने रहेंगे, बहुत बेहतरीन तेल है। और ये समझ लें कि 2-in-1 है, तो ये आपके हाथ पैरों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इस तरीके से आपने इसको व्यूअर्स स्लो फ्लेम में चलाते जाना है, ये देखिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है, ये मैं भी आपको बताऊँगी कि कहाँ आपने जो फ्लेम है इसका ऑफ़ कर देना है, ठीक है। तो व्यूअर्स देखिए, इसको हम स्लो फ्लेम पर पका रहे हैं और इसके मैंने आपको बहुत सारे फ़वाद बताए हैं। व्यूअर्स ज़रूर ये तेल बनाइएगा और इंशाल्लाह आपने एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको बनाते ही रहेंगे। काली मिर्च, आपको पता है, फंगस, अगर किसी भी किस्म की फंगस हो ये इसको ख़त्म करती है। मेथी दाने के बारे में मैंने बताया आपको, बैले के लिए बेहतरीन है। और नारियल का तेल तो आपको पता है कि वो तो होता ही बेहतरीन है। तो इसमें तमाम वो चीज़ें बेहतरीन हैं जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। तो व्यूअर्स, ये तेल आप देखें, ये देख रहे हैं अब आप, ये तेल हो चुका है और अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इंतज़ार करेंगे व्यूअर्स कि ये तेल ठंडा हो, ठीक है। सर्दी के मौसम है तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, गर्मी होती तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता, बट ये एक ही थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाएगा। ये देखिए ठंडा हो चुका है, इसे आपने छन्नी से अच्छी तरीके से आपने छानना है। और छानने के बाद अब हम इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे जब हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है। 4 अदद हमारे पास ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, इसको हम डालेंगे। आपको पता है कि विटामिन ई हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए इंतहा से ज़्यादा मुफीद है। व्यूअर्स, जब ये आप तेल बनाएंगे, लगाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में इसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें तमाम जो अज़ा हमने डाले हैं, नारियल के तेल, एलोवेरा, काली मिर्च, मेथी दाना और आखिर में कैप्सूल्स, ये तमाम चीज़ें बेहतरीन हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप बालों पे लगाएं, आपकी अगर स्किन फट रही है, आपकी एड़ियाँ फट रही हैं, ये आपकी स्किन के लिए भी बेहतरीन है। इतनी चमक पैदा करेगा, आप खुद देखेंगे। और अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, बहुत सारे लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं, ये तेल आप एड़ियों पे, पैरों पे लगा सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि आपके हाथ पैर भी इतने सॉफ्ट हो जाएंगे के हद में, जिस तरीके से आपके बाल, तो बालों को आपको पता है कैसे ऑयल लगाया जाता है, कि बालों की जड़ों में आपने बाल खोलना है और अच्छे तरीके से कोई भी कॉटन की मदद से या हाथों की पोरों की मदद से आपने हल्के हल्के मसाज करना है। तो व्यूअर्स, तेल ज़रूर बनाइएगा, लगाइएगा। और एक हमारी बहुत ही प्यारी सी व्यूअर्स थी अरे भाई, उनकी फरमाइश थी। अब मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।